और अगली बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव को लेकर बनी समिति की आज पहली आधिकारिक बैठक खत्म हो चुकी है। ये बैठक में पूर्व राष्ट्रपति और समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में हुई है। एक देश एक चुनाव की संभावनाओं को तलाशने के लिए ये विशेष समिति बनाई गई थी, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया था। कमेटी ने आज एक देश एक चुनाव को लेकर रोडमैप पर चर्चा की है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन के सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश सालवे, संजय कोठारी शामिल हुए। आपको बता दें, कांग्रेस नेता अधीर रंजन भी समिति के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। तो आज पहली ये बैठक हुई है और ऐसे में देखना यह है कि इस बैठक में क्या कुछ एक देश एक चुनाव को लेकर रोडमैप बना है, क्या चर्चा हुई है। बैठक में खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन के सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश सालवे, तमाम ये नेता मौजूद रहे। ये देखिए, ये एक एक करके सदस्य हम आपको बता रहे हैं जो इस समिति के सदस्य हैं। पूर्व नेता विपक्ष राज्यसभा के गुलाम नबी आजाद, पूर्व अध्यक्ष वित्त आयोग एन के सिंह, ये भी आज बैठक में मौजूद रहे। सुभाष कश्यप, पूर्व महासचिव। ब्रह्म प्रकाश दुबे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश, मीटिंग खत्म हो चुकी है, एक देश चुनाव को लेकर क्या कुछ रोडमैप बना? बिल्कुल, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये पहली बैठक थी जो आज 11 बजे से शुरू हुई थी और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत तमाम जो समिति के सदस्य थे वो बैठक में आए। इसमें गुलाम नबी आज़ाद भी बैठक में थे। हालांकि तकरीबन सवा घंटे की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह बैठक से चले गए हैं और गुलाम नबी आज़ाद भी चले गए हैं। हालांकि अभी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और रामनाथ कोविंद अभी भी बैठक स्थल पर मौजूद हैं। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएं हम, क्योंकि ये पहली बैठक है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि इस बैठक में रोडमैप तय किया गया है कि आगे जो है नियमित बैठकें होंगी इस कमेटी की और जो एजेंडा है उसको कैसे आगे बढ़ना है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी है, किन किन मुद्दों पर कानूनी राय लेनी है। तो एक विस्तृत मंथन हुआ है इस पहली बैठक में और आगे अब जो है कमेटी की नियमित बैठकें होंगी जिनमें तय होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके तहत तमाम राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ कैसे एक साथ हो सकते हैं, उसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। आज चूंकि पहली बैठक थी, पहली बैठक में ये एजेंडा तय किया जाना था कि क्या रोडमैप हो आगे बैठकों का, क्या क्या मुद्दे हों जिन पर आगे चर्चा की जाए। तो ये सारी बातें ये है कि आगे अब कब बैठकें होती और क्या कुछ बैठकों में निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।